हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स, सच में दिल से थैंक्स आप सभी को, क्योंकि आपको जैसा पता है आपके इस चैनल पर 1000 मेम्बर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि आप लोग लर्निंग को लेके सीरियस हो तभी ये हो पाया है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो आप सभी को हमारी तरफ से सच में दिल से थैंक्स एंड आगे भी इसी तरह अपने इस चैनल को प्यार देते रहना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें एंड उनके भी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकें। क्योंकि जो हमारा चैनल बनाने का मोटिव है कि हम चाहते हैं कि टिप बेस्ड ट्रेडिंग छोड़ के लोग अपने से ट्रेडिंग करना सीख सकें, तो वो हम पूरा कर सकें। इसलिए आगे भी आप लोग इसी तरह अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहना एंड प्यार देते रहना। तो एज़ प्रॉमिस्ड, एक और चीज़ आपको बतानी थी, एज़ प्रॉमिस्ड फ्रॉम आवर साइड, आपके लिए ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। सो हम लोगों ने उसको वीकडेज में नहीं रखे, हम लोगों ने जैसा कम्युनिटी टैब पर डाला भी है, हम लोग ने उसको डिसाइड किया है कि सैटरडे को डाले, क्योंकि वीकडेज में ऑलरेडी आप जानते हो जिस दिन मार्केट ओपन रहता है हमारी दो आपको लॉन्ग वीडियोज मिलती हैं, दो लॉन्ग वीडियोज चैनल पर जाती हैं। सो उस हम लोगों ने सोचा क्यों ना उस वीडियो को वीकेंड पे डाला जाए, मतलब सैटरडे को, इसलिए हम लोगों ने उसको रखा है। सो आप लोग को बिल्कुल मिलेगी वो वीडियो हमारे साइड से, सैटरडे को 3 o'clock पे हमारे साइड से मिलेगी वो, क्योंकि हम लोग जो भी प्रॉमिस करेंगे इस चैनल पे आपके लिए वो बिल्कुल फुलफिल किया जाएगा हमारी साइड से। इसके लिए आप बिल्कुल वरी मत करना, अगर हम खुद ने कुछ प्रॉमिस किया है तो पूरा ट्राई किया जाएगा कि उसको फुलफिल किया जाए, ऐसे ही झूठ का प्रॉमिस कुछ नहीं करेंगे हम लोग कभी। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का थंबनेल से जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, एक्चुअली आज कुछ दिन हुए हैं न्यू, एक हमारे टीम में ना एक नए मेंबर आए हैं थंबनेल बनाने के लिए, तो आजकल हमारा थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप का लगता होगा आप लोग को, काफ़ी डिफरेंट लगता होगा, तो वो काफ़ी अच्छे थंबनेल हमारे लिए बना रहे हैं वीडियो के लिए। सो आप लोग भी थंबनेल वंबनेल बनाना अच्छा आता है आप लोग भी तो बनाओ, आप लोग इस तरह से एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए ट्रेडिंग के साथ कर सकते हो। सो देखो, आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा कि आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू पिक डिक्सॉन टाइप स्टॉक्स। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको डिक्सॉन दिखा दूँ, जिन लोगों को नहीं पता है डिक्सॉन, क्यों मैंने डिक्सॉन का नाम लिया, तो मैं पहले डिक्सॉन दिखा दूँ। देखो डिक्सॉन में 1 trade, 2 trade, 3 trade, 4 trades, ये देखो बैक टू बैक हमारी स्ट्रेटजी पे 4 trade आए थे एंड चारों ब्यूटीफुली, देखो कितने अच्छे ब्यूटीफुली टारगेट कंप्लीट हुए। एक ये ट्रेड मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, ये भी टारगेट गया, बट इसको मैं एक क्लास सेटअप नहीं था इसलिए मैं काउंट नहीं करती हूँ, जो ट्रेड्स एक क्लास रहते हैं मैं उसी को काउंट करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि डिक्सॉन टाइप के स्टॉक्स हम कैसे सर्च करें, राइट? सो देखो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ भी नया कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रैटेजी सीख लो, जो भी स्ट्रैटेजी, जैसे ये हमारी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड था, ये जो 4 trade था, ये हम लोग जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उस पे ट्रेड था ये, तो इसका प्रोसेस ये स्ट्रैटेजी सीख लो, देन डेली आप स्कैनिंग करो, स्टॉक की स्कैनिंग करो, अगर आप नहीं करते हो तो डेली आप स्टॉक की स्कैनिंग करो, राइट? एंड उसके बाद फिर आप डेली स्कैनिंग करके जो आपके सेटअप पे ट्रेड आए आप उसको लो, तो उसी में से आपको डिक्सॉन टाइप के एक क्लास सेटअप वाले ट्रेड्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बोला था ये वाला जो ट्रेड था 16 May वाला ट्रेड, मैंने बोला था इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, अगर आप कभी फंसो, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आए कि कैसा सेटअप हमारा होना चाहिए, कभी कभी होता है ना स्कैन करने टाइम आपको कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ट्रेड ले या नहीं ले, तो आप ये 16 May वाला जो कैंडल है ना, डेली चार्ट है, 16 May वाला कैंडल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको एग्जैक्टली इसी टाइप का सेटअप चाहिए, ये पिक्चर परफेक्ट सेटअप था, अगर ये स्टॉप लॉस भी चला जाता ना तो भी मैं आपको यही बोलती कि ये पिक्चर परफेक्ट सेटअप है, क्योंकि ये एकदम ए क्लास सेटअप है, हमें बिल्कुल इसी टाइप का ट्रेड चाहिए। स्विंग भी काफ़ी अच्छा है, अप स्विंग एंड डाउन स्विंग में दिख लो कैंडल्स कैसे कैसे बन रहे हैं, तो ये आपको मास्टरी जब आप धीरे धीरे करोगे तो आपको ये रेफरेंस के लिए ये काम आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो चलो मैं आपको स्टॉक स्कैनिंग दिखाती हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि हम स्टॉक स्कैनिंग कैसे करते हैं, तो डेली हम लाइव स्टॉक स्कैनिंग करते हैं साथ में, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है आपको, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, कि कुछ कल के लिए कुछ सेटअप बन रहा है या नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में। सो देखो आपको ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी है, ये आपको वन बाई वन देखो देखना है, ये नए मैं जो भी नए लोग इस चैनल पे प्यारे प्यारे लोग ऐड हो रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। एंड विश्वजीत जी, आपका डोजी भी मैं वीडियो के लास्ट में करूँगी एक्सप्लेन, आप वीडियो में एंड तक बने रहना आप लोग, बाकी लोग भी, विश्वजीत जी का ये क्वेश्चन था डोजी का, तो मैं लास्ट में उसको एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम अपनी स्कैनिंग कर लेते हैं। ओके,
कहीं पे दिखेगा ना वीडियो के बीच में, कहीं पे दिखेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी विश्वजीत जी के लिए और बाकी लोग आप लोग भी समझ लेना। देखो यहीं पे दिख गया डोजी, ये वाला जो आप देख रहे हो 20, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, आप ध्यान देना विश्वजीत जी और बाकी लोग, आप लोग भी ध्यान देना। ये देखो ये हमारा डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल में क्या होता है ना कि जो ओपन होता है एंड क्लोज होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे ऑलमोस्ट जाके क्लोज हो जाता है। तो आप जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है आप यहाँ पे वैल्यूज़ देखना, यहाँ पे आपको ऊपर में वैल्यूज़ दिखाई देंगी। तो देखना इसका ओपन जो है 2525.95 है एंड इसका क्लोज देखो 2527.85 है। आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं मार्क करके दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखना आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया वहाँ पे दिखेगा। देखना इसका ओपन है 2525.95 एंड इसका क्लोज है 2527.85, मतलब ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ। एक और डोजी मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो इसका ओपन है देखो 2707 एंड इसका क्लोज है 2711। तो डोजी कैंडल बनने का मतलब होता है ना कि इनडिसिसिव है, मतलब कि ना तो बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाएं या सेलर्स नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाएं, मतलब इनडिसिसिव हो रहा है मार्केट में, इसीलिए डोजी बनती है। तो वैसे केस में डोजी कैंडल पर हम एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि डोजी बुलिश कैंडल नहीं होती है, वो बेसिकली कहा जाता है कंफ्यूजन वाली कैंडल होती है, इनडिसिसिव उसको कहा जाता है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। तो आई होप आपको डोजी समझ में आया होगा विश्वजीत जी, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, हम फिर से ट्राई करेंगे आपको समझाने का। देखो ये भी डोजी है, ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ये भी डोजी है। देखो यहाँ पे देखना आपको दिखेगा इसका ओपन है 3110 एंड क्लोज है 3109। तो डोजी बनने का यही मतलब होता है कि मार्केट में इनडिसिसिवनेस है, मतलब कि डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे बुलिश एंड बेरिश होता है ना, बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा एंड बेरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगा, इन द सेम वे। देखो यहाँ पे हमने मार्क करके रखा था, अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए थी बट हमें मिली नहीं ग्रीन कैंडल, तो अब हमारा सेटअप इसमें ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा फ्लैट टाइप का भी मूविंग एवरेज हो रहा है, तो अब हम और वेट नहीं करेंगे इसमें। अपोलो हॉस्पिटल में देखो जस्ट सी, ये दोनों ट्रेड हमारे देखो टारगेट कंप्लीट हुए हैं, आपके सामने ही हमने एनालिसिस किया था साथ में जो लोग उस टाइम होंगे इस चैनल पे जुड़े हुए, 27 जून एंड 3 जुलाई दोनों की वीडियो में आप देख सकते हो, साथ में हमने एनालिसिस किया था एंड ये देखो दोनों के दोनों हमारे टारगेट गए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं स्टॉक मार्केट में। बट जो भी ये जो आप जो शीट अगर जो आप फॉलो करते हो ना, ये शीट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, तो ये टारगेट 1:2 हम फॉलो करते हैं, उससे नीचे रिस्क रिवॉर्ड हम नहीं फॉलो करते हैं। तो आप जो 1:2 फॉलो करते हो ना वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, क्योंकि 50-60 टाइम्स ही आप करेक्ट रहने वाले हो। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कोई भी जैकपॉट स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर लो। तो ये शीट आपके पास अगर नहीं है तो कमेंट करना, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे डेली, काफ़ी लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट एंड मेल आ रहे हैं हमें डेली, काफ़ी लोगों को हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं ये। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो एंड आपके पास वो शीट नहीं है तो आप ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आप ये वाली शीट रखो, क्योंकि इसमें बेसिकली एंट्री स्टॉप लॉस आपको डालना है एंड बाकी चीज़ सारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको अपना कैपिटल डालना है, एंट्री डालना है, स्टॉप लॉस डालना है। मान लो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो उसमें कुछ तो एंट्री लेवल रहता होगा ना, कुछ तो स्टॉप लॉस लेवल आप रखते होगे, तो आप ये शीट हमसे ले लो। आप इसके लिए बिल्कुल भी वरी मत करना कि आप में हमारी स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करो तो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको ये शीट मिलेगी, आप किसी की भी यूज़ करो, राइट। देखो बर्जर पेन में एक हमारा ट्रेड सेटअप बना है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, आगे चलते हैं। तो आपको नए लोग जो है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं। आपको लाइव बस करेंट मार्केट में आपको इस तरह देखना है वन बाई वन। ये देखो बायोकॉन हमारा बिल्कुल स्टार मार्क वाला सेटअप था बट हमारी अभी तक इसमें एंट्री नहीं हुई है, देख लो आप इस कैंडल के हाई के 1-2 रुपये ऊपर हम एंट्री करते हैं जैसा आपको पता है। अगर आपको अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप पहले एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक दिलवा दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लेना, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं देखोगे तो। तो बायोकॉन में देखो 2 दिन हो गए अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं ट्रिगर हुआ, अब 1 दिन और हम वेट करेंगे। अगर हमारा ऑर्डर कल भी ट्रिगर नहीं होता है तो फिर आप ये ऑर्डर कैंसिल कर लेना, मैक्सिमम 2-3 डेज हम वेट करते हैं अपने ऑर्डर के ट्रिगर होने का। सीजी पावर में देखो यहाँ पे हमने बात किया था, हमें अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती, ये जो मार्क किया ना मैंने इस टाइप की ग्रीन कैंडल मिल जाती
एकदम एक लास्ट सेटअप हो जाता, बट आज तो यहाँ पे देखो बिग रेड मिल गई है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम बिग रेड पे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऑलवेज हम एंटर करेंगे ग्रीन कैंडल पे। तो आगे चलते हैं, तो जो भी नए लोग जो प्यारे प्यारे इस चैनल पे ऐड हो रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम करते हैं अपने लिए स्कैनिंग। देखो यहाँ पे अब अगर कल के डेट में हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, आप लोग भी ऐसे मार्क करके रखा करो, ऐसे मार्क करके रखने से ना स्टॉक्स मिस नहीं होंगे, आपको पता रहेगा कि रडार में कौन से स्टॉक है। तो इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल आपको मिल जाती है इस तरह की, मैं आपको एग्जांपल भी साथ में मार्क करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप की बॉडी वाली कैंडल चाहिए, तो हमारा अच्छा सेटअप होगा उसमें, राइट। ये देखो क्रॉम्पटन में अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, डर के कभी एग्जिट नहीं करना है। एग्जैक्ट आपका स्टॉप लॉस लेवल मान लो आप 600 पे आपका स्टॉप लॉस है, तो आप 600 पे ही एग्जिट करोगे। डिक्सॉन में देखो पांच हमारे बैक टू बैक फोर टारगेट्स हुए, अब जाके हमारा देखो मूविंग एवरेज थोड़ा टिल्ट टाइप का हो रहा है। आप देखोगे एक्सट्रीम राइट में आप कर्सर रख के देखोगे तो थोड़ा टिल्ट टाइप का अब हमारा मूविंग एवरेज हो रहा है, तो ठीक है फिर से सेटअप आएगा तो देखेंगे, बट एक लास्ट सेटअप रहना चाहिए, ओनली कंडीशन हमारा यही है। हम 19-20 वाले सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे, बी क्लास सेटअप्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे कभी भी। चलो आगे चलते हैं, इसी तरह देखो वन बाय वन आपको देखना है, आपको 10 मिनट्स ही लगेंगे हार्डली। ये देखो HDFC एसेट में हम ट्रेड नहीं लेंगे, बताओ क्यों नहीं ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप हम क्यों नहीं लेंगे, ये वीडियो पॉज करके बताओ। इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे बिग रेड कैंडल का स्विंग है, एक कैंडल का स्विंग बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि यहाँ पे ट्रेड सेटअप था। चलो आगे चलते हैं, तो बहुत इजी है ये स्कैनिंग करना, बहुत इजी है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ही बहुत इजी है, जिसकी स्ट्रैटेजी इजी रहती है ना उसी को यूज़ करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में जितना आप सिंपल चीज़ यूज़ करोगे ना आपको एग्जीक्यूट करना उतना ईजी रहता है आपके लिए। अभी FMCG सेक्टर में आपको दिखाऊंगी, FMCG के स्टॉक्स सारे ऊपर जा रहे हैं, IT के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो आप सेक्टर एक फिल्टर लगा सकते हो, मतलब सेक्टर से चेक कर सकते हो कि स्टॉक लेना है या नहीं लेना है, वो एक ऐड ऑन हो जाता है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये डोजी वाला कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा विश्वजीत जी आपको, आप कमेंट करो करना वीडियो देख के, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर ट्राई करेंगे आपको समझाने का। सो IT मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी IT के स्टॉक्स सारे, एंड FMCG भी अच्छा दिख रहा है, सो मैं आपको सेक्टर दिखाती हूँ, वो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तभी सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, लास्ट में हम देखेंगे। ओके पहले स्कैनिंग हम अपनी कर लेते हैं, फिर लास्ट में सेक्टर देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कल के लिए। बाहर की नॉइज को आप लोग प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। ये देखो नेस्ले में अच्छा सेटअप बना है, बहुत अच्छा सेटअप बना है, बट ये साइडवेज में चल रहा है, ये एक रेंज में चल रहा है, तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, तो साइडवेज वाले स्टॉक्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उतना बाई करने को, राइट। अभी तो बजट आने वाला है तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट हो सकता है वोलेटाइल भी हो। PB फिनटेक में देखो यहाँ पे फिर से एक सेटअप बन रहा है ये वाले कैंडल पे, बट कैंडल बिग है तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, थोड़ी कैंडल बिग है आपके रिस्क में बैठे तभी आप देखना। पतंजलि अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो देखो पतंजलि में अच्छा सेटअप बना है यहाँ पे, मैं पर्सनली पतंजलि में ट्रेड नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी गैप सर्किट लगते हैं, गैप अप गैप डाउन होता है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। तो आप लोग अगर पतंजलि में ट्रेड करते हो तो सेटअप बना हुआ है आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, चाहे बजट रहे या ना रहे जो भी हो, ऑलवेज आप स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना चाहिए आप लोग, आप लोग को विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, हीरोपंथी हमें नहीं दिखाना है स्टॉक मार्केट में। ये देखो इस तरह विक्स वाले जो बनते हैं ना, विक्स इतना ज़्यादा कैंडल में दिखे ना तो ये कचरा टाइप का चार्ट होता है, ये इस टाइप के आपको चार्ट्स को अवॉइड करना है, इतने बिग विक्स जब बने ना इस तरह देखो ब्यूटीफुल कैंडल्स बननी चाहिए, जो आपको डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा देख के मैंने जो आपको दिखाया अभी उससे। रिलायंस में देखो अभी थोड़ा दूर है मूविंग एवरेज से, तो हम लोग 19-20 वाले सेटअप नहीं ट्रेड करते हैं, एक लास्ट सेटअप होगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नो 19-20 वाले सेटअप। देखो इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है, संवर्धन में एंट्री हमारी ट्रिगर हो चुकी है, तो एक बार एंट्री हो जाए तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का वेट करना है, उसके पहले एग्जिट नहीं करना है।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। टाटा मोटर्स देखो कंप्लीट साइडवेज है, जब तक ये इस रेंज में है तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आप लोग प्लीज थोड़ी बाहर की नॉइज को इग्नोर करना, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है आप लोग को बाहर की नॉइज से। कुछ दिन और चलेगा ये, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये देखो ट्रेंट में अगर यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती तब हमारा सेटअप होता, बट आज तो बिग रेड बन चुकी है इसमें तो हमारा सेटअप ही नहीं है। अल्ट्राटेक में देखो यहाँ पे अगर अच्छी ग्रीन बन जाएगी कल के डेट में तब हमारा सेटअप हो जाएगा यहाँ पे, तो वेट करेंगे। कभी भी इम्पल्सिव आपको ट्रेड नहीं करना है, इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना है, ऑलवेज वेट करो अपने सेटअप के बनने का। सो ये देखो जोमेटो में वन बिग रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ तक स्विंग काफ़ी अच्छा जा रहा था, ये जो स्विंग है ये काफ़ी अच्छा जा रहा था, बट ये एक कैंडल ने स्विंग को गड़बड़ा दिया। तो अब हम इसमें इस टाइप के सेटअप में इंटरेस्टेड नहीं है हम ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको डिक्सॉन दिखाया ना, बस आप उसी को रेफरेंस लेके चलो। ओके मैं आपको पहले निफ्टी आईटी दिखाती हूँ, सेक्टर में आपको दिखाती हूँ पहले। ये देखो ब्यूटीफुल, यहाँ से देखो बिल्कुल अप ट्रेंड होना, जो मूविंग एवरेज हमारा स्टार्ट हुआ है तब से देखो अप ट्रेंड ही चल रहा है, ये ऑल टाइम हाई में भी आ चुका है अब। सो इसीलिए इसके स्टॉक्स भी आप ऐसे आप ना फिल्टर लगा सकते हो सेक्टर देख के कि आपको ये स्टॉक जो है लेना है या नहीं लेना है, इस तरह आप एक फिल्टर लगा सकते हो। FMCG भी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो FMCG भी देखो कितना ब्यूटीफुल चल रहा है। तो आप स्टॉक्स देख के आप समझ सकते हो, जैसे फार्मा देखो, फार्मा दिखाती हूँ, आप सेक्टर देख के भी ये सोच सकते हो कि आपको लेना या नहीं लेना। देखो फार्मा जब तक यहाँ पे एक साइडवेज जोन में चल रहा था, जब तक यहाँ पे चल रहा था तब तक अगर आपको फार्मा के स्टॉक्स मिले ना, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब देखो इस तरह से एक रेंज में चल रहा होता है कोई सेक्टर, आपको उस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड मिले तो बेटर है कि आप अवॉइड करो। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल गया रेंज से तब आपको अगर मिले तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे अभी फार्मा जो है देखो अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी साइडवेज नहीं चल रहा है, तो ये आप एक ऐड ऑन कर सकते हो अपने स्टॉक्स में। जो भी आपको स्टॉक मिला आप उसके सेक्टर को देख सकते हो, इससे आपका जो सेटअप आपका जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं फटाफट से। निफ्टी में देखो आज अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है, बट अपने लिए कुछ सेटअप नहीं है, अपने लिए एंट्री जैसा कुछ नहीं बना है, मूविंग एवरेज से प्राइस आया ही नहीं है, यहाँ वाला सेटअप अच्छा चला उसके बाद से आया ही नहीं है। तो वेट एंड वॉच है, कुछ भी नहीं करना है। दो डोजी बना, ये देखो विश्वजीत जी ये दोनों डोजी हैं, मतलब कि मार्केट देखो 24587 पे ओपन हुआ एंड 24586 पे क्लोज हुआ, मतलब जहाँ ओपन हुआ था वहीं मार्केट क्लोज हो गया। एंड दूसरे दिन भी 24615 पे मार्केट ओपन हुआ, 24613 पे क्लोज हो गया, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। इनडिसिसिव रहा मार्केट, मतलब कि ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसी को हम डोजी कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ डोजी का है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा डोजी का कॉन्सेप्ट। चलो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं फटाफट से। ओके सो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे बन गया एक हमारा सेटअप, जैसा हम लोगों ने बात किया था ना कि ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनती है इस टाइप की, तो देखो आज हमारी ग्रीन कैंडल बन गई है। तो आप इस हाई के पहले ये जो डोजी बना हुआ है इस हाई के ऊपर आप फॉर अ सेफर साइड इस हाई के 5 रुपये ऊपर आप एंट्री ऑर्डर ले सकते हो, बाइक ऑर्डर आप ले सकते हो अगर आपको सही लगे तो। एंड आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो उसके 5 रुपये नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप ये कर सकते हो। निफ्टी में बाई एंट्री आप कर सकते हो, बैंक निफ्टी में बाई एंट्री आप कर सकते हो आपको सही लगे तो। सो डन फॉर द डे। कोई भी सजेशन हो कमेंट करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करो, ये शीट चाहिए तो कमेंट करो ही करो। एंड ट्रेडिंग जर्नल शीट आपको, ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी सैटरडे को। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।